जी सुनिए, क्या आप चाहते हो? भीड़ से अलग सोच आपकी बन सकती है। सफल इंसान आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं हम अपने आसपास होने वाली घटनाएं या समस्याओं को उसी घिसे पीटे तरीके से देखें। हमारा अलग नज़रिया, हमारी अलग सोच, हमारा आइडियाज़, हमारी थॉट्स हर परिस्थिति में आसान बना सकता है। लेकिन लोग अक्सर ये गलती करते हैं और कोई अलग अलग काम करने लगता है तो उसका मजाक बनाते हैं। मगर आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखने वाले लोग अक्सर कुछ ऐसे कमाल कर देते हैं जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं पाते, और भीड़ से अलग सोच या लीक से हटकर चलने की आदत ही उनकी सफलता की वजह होती है। यही बात हमारी आज की कहानी में भी बताई गई है। जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी अपनी क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास प्रोसेस के लिए दुनिया में जानी जाती है, और एक बार उनके सामने एक अजीब समस्या आई। उन्हें कंप्लीट मिली कि एक कस्टमर ने जब साबुन का डिब्बा खरीदा तो वो खाली था। हाँ, माने कि वो एक शिकायत थी कि जांच की गई और पता चला कि चूक कंपनी की तरफ से हुई थी। असेंबली लाइन से जब साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा था तब डिब्बा खाली ही चला गया था। इस घटना से कंपनी को काफ़ी किरकिरी हुई थी। कंपनी के अधिकारी बड़े परेशान हुए। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और गहन चर्चा हुई। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए लोगों ने उपाय, और भविष्य में ऐसा ना हो इस तरह का विमर्श विचार किया। असेंबली लाइन के एक एक्सरे मशीन लगाई गई और जहां हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी, मॉनिटर सामने बैठे व्यक्ति देख पाएगा डिब्बा खाली है या भरा। कुछ ही दिनों में यह सिस्टम इंप्लीमेंट होने वाला था। इसी दौरान जब एक छोटी रैंक की कर्मचारी को इस समस्या का पता चला तो उसने समस्या का हल एक बड़े ही सस्ते और आसान तरीके से निकाल लिया। उसने एक तेज चलने वाले पंखे को असेंबली लाइन के सामने लगाने का सुझाव दिया। अब हर एक डिब्बे को पंखे की तेज हवा के सामने से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे ही खाली डिब्बा सामने आता है हवा उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है। इस शख्स की क्रिएटिविटी थिंकिंग ने सिर्फ ना कंपनी के करोड़ों की रकम बचा ली बल्कि उस काम में तरक्की भी मिली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है एक क्रिएटिव थिंकिंग सबसे अच्छी बात है कि इसका किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। हमसे हर व्यक्ति की अपनी समस्याओं को सरल तरीके से सुलझा सकता है, पर अक्सर होता ये हमसे सबसे पहले दिमाग में आने वाली हल कोई हल करते हैं सबसे अच्छा मानकर बैठ जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो पहला विचार आए सबसे पहले उसी को नकार देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके, नए रास्तों पर बढ़ना चाहिए। और मौका समय पर पहचानने वाले छूत होता है। क्या आप अपने जीवन में सक्सेस पाते हो? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने अपने जीवन का कमिटेड किया है? क्या आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा ड्रीम है? तो आप अपनी जिंदगी में बड़ा सक्सेस पाते हो तो हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पहुँचा दो इस आवाज़ को अपने हर साथी के पास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।